जय गणेश बाबा। भाई सब खतरनाक पैनी मार के जा रहे हैं। आगे की तरफ बहुत बारिश दे रहा हूँ, पूरा काला हो के रखा है। लास्ट टाइम मैं आनीनी से आने के टाइम में यहाँ पर ही फंस गया था। गाड़ी सब क्या स्पीड जा रहा था, यहाँ पर जैसे इंटरसेप्ट देखा सब स्लो हो गया। जगह जगह स्पीड लिमिट है, जंगली हाथी। जूम करके दिखाता हूँ, पेट का वाइजर बंद करके रहूंगा। बाईपास भी घटिया था और ये रास्ता तो और भी ज्यादा घटिया है। ऐसा लग रहा है इमरजेंसी लैंडिंग के 38 किलोमीटर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग अखोमिया। तो अभी टाइम हो रहा है 5:55 और सुबह सुबह मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे सुंदर विलेज पे। बाइक में बस बैग बांधना है, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ जा रही है बुबली। तो जिसको नहीं पता बुबली कौन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरा पहला ब्लॉग सब देखो तो आपको पता चल जाएगा बुबली कौन है। तो आज 12th of October है जब मैं ये राइड स्टार्ट कर रहा हूँ और इन दिनों बहुत ही ज्यादा बारिश दे रहा था। तो बैग वैग पैक कर लेता हूँ तो उसके बाद मिलते हैं आपको। बाय बाय। फाइनली ट्रिप स्टार्ट, मेचुका। सो फाइनली निकल रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल विलेज पे, जो कि अरुणाचल में पड़ता है। हाँ, आप सब सही गैस कर रहे हो, हम लोग जा रहे हैं अभी मेचुका। तो अभी टाइम हो रहा है 7:05 और हम लोग अभी बुबली के घर से निकल रहे हैं। हाईवे पहुँच चुके हैं, अभी बस फ्यूल अप करना है। और ये वाले ट्रिप में आपको पूरा डिटेल दूंगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुवाहाटी से, तो आज का ट्रिप होने वाला है, हम लोग यहाँ से गुवाहाटी से जाएंगे डिब्रूगढ़। आज डिब्रूगढ़ में जाके स्टे करेंगे। तो यहाँ से 450 किलोमीटर्स होगा डिब्रूगढ़ तक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लो। तो आगे भी और बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग आने वाला है मेचुका विलेज का। क्लाउडी है, गुरुद्वारा मॉर्निंग का टाइम, ऐसे राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है शिलोंग। लेकिन आज हम लोग शिलोंग नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं अपर असम के साइड, वहाँ से एंटर होंगे अरुणाचल। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये डिवाइडर के लेफ्ट साइड में हम लोग जहाँ पर चल रहे हो ये रहा असम, और डिवाइडर के राइट साइड में मेघालय। भाई साहब ये ट्रक चल ही नहीं पा रहा, इतना स्लो जा रहा है, वो ख़राब ही हो गया होगा। यहाँ हनुमान मंदिर, ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, और ये रहा गणेश मंदिर। तो यहाँ पर थोड़ा ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, हम लोग राइड अच्छे से हो जाए, अच्छे से जाए, अच्छे से आए। तो यहाँ पर ही फ्यूल अप भी कर लेते हैं, फुल कर दो। 1200 का फ्यूल आया। ओके, तो 1200 का फ्यूल है। अगर किसी को पता है एक्सपल्स में फ्यूल अप कितने में होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एक्सपल्स का फुल टैंक कितने में होता है। भाई साहब वो पहाड़ क्या मस्त लग रहा है, ऊपर पूरा क्लाउड है ही नहीं, ऐसा लग रहा है उस साइड ही बारिश हो रहा है। राइड से पहले इसका आग में कुछ घुस गया दिखा। और हेलमेट का वाइजर बंद करके रखना चाहिए सुबह और शाम को, ज़्यादा चीटी निकलता है। कुछ भी नहीं है, वो जो था निकल गया। कहाँ खाएगा, यहाँ पर ही कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है मेरे को। बाइक को तो एनर्जी दे दी है, मेरे को भी एनर्जी चाहिए अभी। क्या लग रहा है, यम्मी लग रहा है। तो खा के तो निकलते हैं यहाँ से। फूल सब देख, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बहुत दिन के बाद इतना लॉन्ग ट्रिप में जा रहा हूँ, कम से कम बोट हुए 2000 किलोमीटर का राइड होगा ये हम लोग का। पहला टोल गेट आ चुका, सोनापुर टोल गेट। भाई साहब गड्ढा देखो ना, इतना गड्ढा है रास्ते में। डिब्रूगढ़ 414। जय गणेश बाबा।
अच्छे से जाए, अच्छे से आए, आगे और गणेश बाबा दिख गए। एलिफेंट ही एलिफेंट दिख रहे हैं। तो हम लोग अभी जागी रोड पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर सा मंदिर है ना। सुबह सुबह मछली लेके जा रहे हैं भाई साहब, पूरा ट्रक के ऊपर क्रेन लेके जा रहे हैं। हाईवे में चलते रहने से ऐसा यूनिक यूनिक चीज दिखते ही रहता है और उसी से अच्छा लगते रहता है, एंटरटेन होते रहते हो। जहाँ तक नजर जा रहा है पूरा दूर तक खेत ही दिख रहे हैं और कितना ज्यादा सुंदर लग रहे है। नारियल पानी पीना है, चलिए पीते ही। दे बैग, दे बैग भी उतार दे। तो आज का सेकंड टोल गेट भी आ चुका है, रोहा टोल गेट। भाई साहब कितना अलग हो गया, यहाँ का फ्लाईओवर भी हो गया। अभी हम लोग नौगा टाउन बाईपास कर रहे हैं। नौगा टाउन है मेरे लेफ्ट साइड में। कितना कुछ चेंज हो चुका है। इस साइड नौगा टाउन, इस साइड रूपाही बोल के एक जगह जो कि शायद नौगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और हम लोग जाएंगे इस साइड काजीरंगा। डिब्रूगढ़ 315 किलोमीटर। अरे बकरी, ए मैं भाई साहब खतरनाक खैनी मार के जा रहे हैं। बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं और डीएम भी करते हैं कि आप राइडिंग जैकेट क्यों नहीं पहनते, राइडिंग गेयर्स क्यों नहीं पहनते। फिलहाल के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है राइडिंग जैकेट और राइडिंग गेयर्स खरीदने के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, अगर कोई मेरे को स्पॉन्सर करना चाहे तो राइडिंग गेयर्स के साथ तो मोस्ट वेलकम है आप सबका। कोलियाबोर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हो तो तेजपुर मिल जाएगा। तो आगे तो पूरा काला बादल छाया हुआ है। आगे की तरफ बहुत बारिश दे रहा होगा ना, आगे की तरफ पूरा काला हो के रखा है। रेनकोट तो हम लोग लेके आए हैं और रेडी भी है, हैंड बैग में हमने रखा है अपना रेनकोट। तो अगर बारिश मिला तो कहीं पर रुक के रेनकोट पहन लेना पड़ेगा। और गणेश बाबा देख, जय गणेश बाबा। आज हम लोग को गणेश बाबा ही दिख रहे तब से। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क। नहीं, 260 किलोमीटर है और काजीरंगा आधा बुकाघाट के पास है, आधा कार्बी आंगलोंग, आधा नौगांव साइड में। यहाँ पर खेत का कलर भी अलग है, येलो ग्रीन लाइट ग्रीन, कितना मस्त लग रहा है ना। तो देख तू किंग कॉन्ग। लास्ट टाइम मैं आनीनी से आने के टाइम में यहाँ पर ही फंस गया था। तुषिता बाब, अगर कोई इस साइड आ रहा है तो यहाँ पर रुक सकता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ का ओनर भी बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत हेल्प किया था। रात को मैं काजीरंगा में फंस गया था, सब गाड़ी सब क्या स्पीड जा रहा था, यहाँ पर जैसे इंटरसेप्टर देखा सब स्लो हो गया। देखो ऐसा जगह जगह स्पीड लिमिट है। काजीरंगा नेशनल पार्क कॉरिडोर, ये देख तू। अरे मंकी आगे बहुत सारा है, मंकी मैन। घर में फोन कर रहा है, मेरे घर में भी इन्फॉर्म कर दे। तो यहाँ पे ही रुके थे हम लोग, तो चॉकलेट ले लिया और पानी बॉटल ले लिया। अच्छा लग रहा है ना वेदर। तो यहाँ पर रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से गले इसका आँख में वो हुआ है, चलो निकलते। ओके, तो हम लोग अभी बुरा पहाड़ रेंज एंटर हो रहे हैं। ये रहा बुरा पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ों में आगे जैसा लग रहा है। व्यू पॉइंट है काजीरंगा व्यू पॉइंट, बुरा पहाड़ रेंज। देखो फिर से स्पीड लिमिट आ गया। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, सिर्फ गाय दिख रहा है और बंदर दिखा था, गौ माता, हाथी, जंगली हाथी, वाइल्ड एलिफेंट। पता नहीं गोप्रो देख पा रहा होगा कि नहीं। ओ रहा दूर में। कुछ जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो। ओ रहा वाइल्ड एलिफेंट, रुको कुछ जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो।
और वाइल्ड एलिफेंट। आज एलिफेंट ही एलिफेंट दिख रहा है हम लोग को। अच्छा ही है, गणेश बाबा खुद हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए और मैं आप सबके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाते रहूँगा, है कि नहीं? क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करके जाना वीडियो को। तो यहाँ पर 5-10 मिनट रुके, आज राइनो तो नहीं दिखा, तब भी आज एलिफेंट डे है इसलिए एलिफेंट ही एलिफेंट दिख रहे हैं। डियो पानी ब्रिज, और यहाँ से नदी आ रही। ये वाला सब जितना ढाबा दिख रहा है ना, सब खटिया ढाबा है। जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मेरे को ऐसा ढाबा सा भी पसंद है। यहाँ से सिपसागर है 158 किलोमीटर, तिनसुकिया है 284 किलोमीटर। वेस्टर्न रेंज, बागोरी रेंज है इस साइड। जय गणेश बाबा। ये एलिफेंट राइड वाला है, काजीरंगा में जो एलिफेंट राइड होता है ना, ये सब हाथी के ऊपर होता है। ये देख खड़ा है, कितना बड़ा बड़ा है ना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बुरी आयथान। हल्दी बारी बुरी माए मंदिर, यहाँ से जब भी क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स ले लेता हूँ, इसके बाद आगे चलेंगे। वहाँ पर एक पत्थर है, वो पत्थर कभी भी, ये रोड भी बना रहे थे तो तब भी वो पत्थर कभी भी नहीं निकलते, वहाँ से नहीं निकल सकते। और सबका मन का जो भी इच्छा है सब पूरा हो, आप लोग यहाँ से ब्लेसिंग्स ले लो। तो निकलते हैं यहाँ से और अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब रास्ते का क्या हालत है, रास्ता देखना कैसा है। बाप रे बाप क्या गड्ढा है। ओके तो हम लोग अभी कोहरा पहुंच चुके हैं। ये कोहरा रेंज है, ज़्यादातर टूरिस्ट इसी रेंज में आते हैं। और ये मेरे लेफ्ट साइड में ये रहा गेट, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नज़ारा है ना, दोनों साइड टी गार्डन। तो हम लोग अभी बुकाखाट पहुंच चुके हैं। भाई साहब खतरनाक भीड़ है यहाँ पर, तो इतना सारा लोग पूजा देखने निकले हैं। गुवाहाटी में ही मैंने इतना भीड़ नहीं देखा जितना यहाँ पर देख लिया। बुकाघाट फेमस है पेड़ा के लिए, यहाँ का पेड़ा बहुत टेस्टी होता है, और पूड़ी आलू सब्जी के लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, इतना ज़्यादा भीड़, कुछ धुआं जैसा भी दिख रहा है, तो भासो नहीं जा रहा है इसलिए पटाखा हो रहा है। भाई साहब लोग तो खतरनाक नाच नाच के जा रहे हैं। बॉम्ब भी फूटी है भाई साहब, रास्ते में इतना क्राउड है, इतना आदमी लोग देखने आए। ओके यहाँ से जुराट है 51 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ 192 किलोमीटर। वाह ओके है भाई, नदी के बीच में गैस का पाइप है क्या, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर है। तो हम लोग अभी डेरगांव पहुंचने वाले हैं। भाई साहब क्या रास्ता कर दिया यहाँ पर, यहाँ से पूरा जुराट तक वैसे ही फैंस मिलने वाला है। तो हम लोग थर्ड टोल गेट भी पहुंच गए, जुराट टोल गेट पर। असम की तरफ तो खतरनाक ठंडा है, क्या हवा चल रहा है यहाँ पर, बाइक चलाने में भी ठंडा लग रहा है। हम लोग जुराट पहुँच चुके हैं, ये रहा सुकाफा का, यहाँ पर भी विसर्जन चल रहा है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा ठंडा है, यहाँ पर नाच नाच के नहीं जाते। अगर राइट चल जाते हो तो जुराट टाउन मिल जाएगा, और लेफ्ट की तरफ जाते हो तो बाईपास कर जाओगे। हम लोग बाईपास करेंगे अभी जुराट। तो मेरा एक फ्रेंड रहता है जुराट में, उसने ही रिकमेंड किया यहाँ पर खाने के लिए। तो चलो लंच कर लेते हैं, खाना वाना खा लिया, अभी चलते मायना होटल। कोई अगर जुराट से मेरा ब्लॉग देख रहे तो कॉमेंट करना, आपको पता है कि नहीं ये मायना होटल के बारे में।
जैसे ही जोरहाट क्रॉस करके आए बाईपास के बाद, बाईपास भी घटिया था और ये रास्ता तो और भी ज़्यादा घटिया है, इतना बम्स और इतना गंदा रास्ता। जोरहाट के बाद इतना घटिया रास्ता आया ना, पूरा हालत ख़राब हो गया हम लोग का, मेरा भी और बाइक का भी। इसका तो तब भी ठीक ही है, मेरा देखो ना हालत, देखो जूता और पेन का तो हालत ख़राब, बाइक का हालत देखो, इतना घटिया रास्ता था ना। लखीमपुर धेमाजी वाला रास्ता ही बेस्ट है, ये तो इतना घटिया रास्ता है। तो पेट्रोल पंप से निकल के आगे तो अभी टाइम हो गया है 4:20 और एक घंटे में अंधेरा हो जाएगा। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। जोरहाट के बाद से हम लोग का स्पीड बहुत स्लो हो गया। बिना हेलमेट का स्कूटी चला रहे और दोनों स्कूल का बच्चा है, दिखने में भी छोटा है, क्या रास्ता है। और लेकिन एक चीज़ अच्छा हो रहा है, हम लोग थोड़ा ऐसा टाइम में पहुँचे जब बारिश नहीं मिल रहा हम लोग को, थोड़ी देर पहले बारिश दे रहा था शायद यहाँ पर। रास्ता देखो ना पूरा गीला है। फिफ्टी वन का माइलेज दे रहा था, जैसे जोरहाट क्रॉस किया अभी 47 का माइलेज दे रहे हैं। तो हम लोग शिवसागर बाईपास पहुंच चुके हैं, यहाँ से अगर स्ट्रेट जाते हैं तो शिवसागर टाउन मिलेगा और हम लोग ले जाएंगे बाईपास। ऐसा लग रहा है प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग किया गया। शिवसागर में एक प्लेन का रेस्टोरेंट भी बनने वाला था, पता नहीं ये है कि ये दूसरा है क्या, विंग्स ऑफ हजोरिका या कुछ वैसे ही कुछ नाम था। कितना, एक साल से ज़्यादा हो गया तो अभी तक क्या ये ही क्यों होता। अंधेरा होने ही वाला है, कितना बजा है, 5:05 और हम लोग को यहाँ से लगेगा 1 घंटा। आज रास्ते ने बहुत प्रॉब्लम दी है। तो हम लोग चाय वाय पी के निकल गए मोरान से, यहाँ से 38 किलोमीटर है डिब्रूगढ़ तक, 1 घंटा दिखा रहा है ट्रैफिक के कारण। और वैसे भी अंधेरा हो गया तो ज़्यादा दिखेगा नहीं मोरान टाउन क्रॉस करने के बाद, तो एक ही बार में बाहर में ही मिलते हैं। फाइनली डिब्रूगढ़ पहुँच गए, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पास, यहाँ से 15 मिनट दिखा रहे हैं। तो खा के रूम वापस आ चुके हैं, मैं अपना कैमरा चार्ज में लगाता हूँ और अपना सब गियर सब चार्ज में लगाता हूँ, नींद भी आ रहा है। अगर आपने यहाँ तक अगर ब्लॉग देखा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आगे और अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।